पाकिस्तान में महंगाई तो पहले ही अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब स्थिति ये हो गई है कि लोगों में महंगाई को लेकर एक डर समा गया है कि पता नहीं कब उनके जरूरत के किस सामान की कीमत आसमान छूने लगे, दूध दही या मटन। अपनी जगह तो अब रोजाना के इस्तेमाल में आने वाली आम सब्जियों की कीमत भी वहाँ के लोगों के लिए किसी परेशानी से कम नहीं हो गई है। आप वहाँ पर बढ़ती महंगाई की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में टमाटर तो पहले ही 200 से 300 पाकिस्तानी रुपए किलो तक बिक रहा था और अब अदरक के दाम में भी आग लग गई है। हालात ये है कि अगर किसी को 1 किलो अदरक खरीदना है तो उसको अपनी जेब से पूरे 500 रुपए निकालने होंगे। पाकिस्तान में गोभी भी 150 रुपए किलो तक बिक रही है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ये दिन आया है जब कराची में टमाटर 300 रुपए किलो तक पहुंच गया है। टमाटर की थोक की कीमत ही 200 रुपए किलो से ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टमाटर की इस कीमत की वजह देश में इसके पैदावार में कमी और पड़ोसी ईरान और अफगानिस्तान से इसकी कम आवक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि महंगाई के दानव ने किस तरह से अपनी गिरफ्त में लोगों को जकड़ रखा है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि बीते एक साल की समान अवधि की तुलना में बीते हफ्ते रोजमर्रा में इस्तेमाल आने वाली 51 वस्तुओं में से 43 के दाम में 289% का इजाफा हुआ है। पूरे देश में महंगाई के कारण मचे हाहाकार ने सरकार की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान ने महंगाई पर निगाह रखने के लिए एक विशेष इकाई बनाई है। इमरान के आर्थिक मामलों में सलाहकार अब्दुल हफीज शेख और वित्त मंत्री हम्माद अजहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।